नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल पर भी देखा है, काफ़ी बार हमारे सब्सक्राइबर्स को ऐसी समस्या आ जाती है कि वो अगर विंडो 8 का इस्तेमाल करते हैं या फिर विंडो 10 का इस्तेमाल करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो विंडोज़ के अपडेट होते हैं या फिर ड्राइवर्स के अपडेट होते हैं या फिर किसी और एप्लीकेशन के जो अपडेट होते हैं वो ऑटोमेटिकली जब ऑन होते हैं तो ऐसे में हमारा कंप्यूटर सिस्टम, एक तो जो कंप्यूटर सिस्टम है थोड़ा सा लैग करता है, और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपके घर में ईथरनेट या फिर वाईफाई नहीं लगा है, अगर आप मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके कंप्यूटर सिस्टम पे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो आपका जो डाटा होता है वो आपका लॉस्ट हो चला जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका सारा डाटा जो है वो पीछे बैकग्राउंड पे जो अपडेट लगे हुए हैं वो सारा का सारा एम्प्टी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार आपको अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स करनी है जिससे आपके जो ऑटोमेटिक अपडेट लगे हुए हैं वो पूरी तरह से आप बंद कर पाओगे। हालांकि जो नॉर्मली हम विंडो 10 में सेटिंग में जाके अपने विंडोज़ को जो अपडेट होते हैं उनको पॉज कर देते हैं, जिससे कुछ टाइम के लिए हम उसको जो है पोस्टपोन कर देते हैं उनके अपडेट्स, लेकिन फ्रेंड्स हम भूल जाते हैं बाद में उनको रिज्यूम करना या फिर वो ऑटोमेटिकली रिज्यूम हो जाते हैं, जिससे हमारा डाटा का लॉस हो जाता है, हमारा जितना भी MB बचा होता है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, पूरी तरह से अपडेट भी नहीं हो पाते हैं। इवन कई बार जो अपडेट लगे होते हैं वो आधे अधूरे अगर स्टॉप हो जाते हैं तो ऐसे में हार्ड ड्राइव तक क्रैश होने का जो है डर बना रहता है। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिन्होंने अपने जो अपडेट थे वो बंद नहीं किए थे, बैकग्राउंड में अपडेट अपने आप चालू थे और उनको नहीं पता था कि बैकग्राउंड में अपडेट चालू है, और उनका लैपटॉप का बैटरी बैकअप जो था वो इतना अच्छा नहीं था, बैटरी लो होने की वजह से एकदम से उनका लैपटॉप शट डाउन हो गया और जो अपडेट साइड में बैकग्राउंड में लगे हुए थे वो प्रॉपर से इंस्टॉल नहीं हो पाए, और जब उन्होंने अपना लैपटॉप को बूट किया, पावर ऑन किया तो उनकी हार्ड ड्राइव पूरी तरह क्रैश हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि ये अपने सब्सक्राइबर्स को भी इसके बारे में बताना चाहिए कि अगर आप विंडो 10 का इस्तेमाल करते हो या फिर विंडो 8 का इस्तेमाल करते हो तो आपको जरूर से जो अपने अपडेट्स हैं, अगर आपके इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, अगर आपने वाईफाई नहीं लगवाया है तो आपको जरूर से उसको बंद कर देना चाहिए, और हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार आपको जब भी फ्री टाइम मिले, जब आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल हो, आपके नियर बाय वाईफाई हो या फिर आपके ऑफिस में, तो वहां पर जाके आप उनको रिज्यूम करके जितने भी अपडेट्स अवेलेबल हैं उनको आप अपडेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये कैसे करना है इसके लिए हमें चलना होगा हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपको कौन सी सेटिंग करनी है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, और उसके बाद आप पूरे तरीके से अपने विंडोज़ के या फिर और ऐप्स के अपडेट कैसे बंद कर सकते हो, और अगर आपको उन अपडेट्स को दोबारा से रिज्यूम करना है तो आपको कौन सी सेटिंग जो है अपने कंप्यूटर सिस्टम में करनी होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आपको सेटिंग बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो विंडो के अपडेट होते हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपकी विंडो में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है या कुछ नया माइक्रोसॉफ्ट ने किया है तो वो अपने अपडेट के जरिए जो है फीचर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अगर कोई सिक्योरिटी पैच है या कोई वायरस वगैरह अगर है तो उसको कैसे फिक्स करना है तो वो सारा कुछ अपडेट के जरिए ही माइक्रोसॉफ्ट करता है, तो आपको ये रेगुलरली अपडेट कर लेने चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास डाटा उतना अवेलेबल नहीं है, जबरदस्ती विंडोज के जो अपडेट हैं वो हो रहे हैं, तो उसको हम थोड़ी देर के लिए कैसे रोक सकते हैं, या फिर उस डेट तक हम रोक सकते हैं जब तक हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, ताकि जितना हमारे पास डाटा बचा है वो विंडो अपडेट होने में खर्च ना हो जाए, और जो हमारा जरूरी काम है, हमने जो भी परफॉर्म करना है एक्शन इंटरनेट से रिलेटेड जो भी हमारा काम है वो हमारा पूरा हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको बता देते हैं कि आपको कौन सी सेटिंग यहाँ पे करनी है। तो अगर आप विंडो 10 का यूज करते हो तो यहाँ स्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग का, तो आपने यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो के आएगा जो कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे, तो उसके सबसे बॉटम साइड पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा अपडेट एंड सिक्योरिटी का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा विंडोज अपडेट, तो आपने इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो अभी मेरा सिस्टम है वो ऑलमोस्ट अप टू डेट है, अभी एक जो है अपडेट आया हुआ है लेकिन हम उसको नहीं करेंगे। और उसी के नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है पॉज अपडेट फॉर 7 डेज, अगर आप इस पे एक बार क्लिक करोगे तो 7 दिन के लिए पोस्टपोन हो जाएंगे आपके अपडेट, यानी कि अगले 7 दिन के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में या फिर लैपटॉप जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो उसमें कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे एक बार क्लिक कर देते हैं तो ऊपर की साइड आपको देखने को मिल जाएगा कि योर अपडेट विल रिज्यूम 25 फरवरी 2021, जैसे कि आज की डेट है 17 फरवरी, तो 25 तारीख तक जो है अपडेट पोस्टपोन हो चुके हैं। और अगर आपको रिज्यूम करना है तो यहाँ से ही आप इसको रिज्यूम भी कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको इससे और ज्यादा डेट बढ़ानी है तो ये जो पॉज अपडेट फॉर 7 मोर डेज लिखा है यहाँ पर आप एक बार और क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे डेट चेंज हो गई है और आगे हो चुकी है। एक बार और क्लिक कर दो, एक बार और क्लिक करो, जितना आपको आगे इसको लेके जाना है उतना आप यहाँ से लेके जा सकते हो। और अभी जो हमारा ये ऑप्शन था पॉज अपडेट वाला, ये अभी डिसेबल हो चुका है, तो यानी कि जितना मैक्सिमम हम आगे जा सकते थे उतना हम जा चुके हैं, अब इससे आगे हम नहीं जा सकते। आज की डेट है 17 फरवरी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी 25 मार्च 2021 तक हमारे अपडेट जो है बंद हो चुके हैं, लेकिन परमानेंट बंद अभी भी नहीं हुए हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये कुछ डेट आगे तक हुए हैं बंद, पोस्टपोन हुए हैं, प्रॉपर बंद नहीं हुए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें भी अगर आप देखो तो ये आपको 24 मार्च 2021 तक ही जो है आपके अपडेट को यहाँ से पोस्टपोन कर रहा है। तो यहाँ से आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कि जो इंपॉर्टेंट अपडेट हैं माइक्रोसॉफ्ट आपको वो ही नोटिफिकेशन दे, जो फालतू के अपडेट्स हैं जो ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, जो ऑप्शनल अपडेट्स हैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन ना दे, तो वो चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार यहाँ से अपडेट अपने पॉज करने हैं कुछ समय के लिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको परमानेंटली जब तक आप ना यहाँ पे चाहो तब तक आपके अपडेट रिज्यूम ना हो, क्योंकि जैसे कि अभी हमने यहाँ पे किया है तो 24 मार्च 2021 तक हमारे पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही 25 मार्च होगा तो अगर आपके सिस्टम में कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो वो अपने आप ही जो है रिज्यूम हो जाएगा और अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसके बाद आपको पता है कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो और वो गोल गोल सा विंडो अपडेट का जो फीचर होता है, इंस्टॉल प्रोसेस जो होता है, तो वो कंटिन्यू होता रहता है, तो फिर आपको वेट करना पड़ता है, कभी कभी आधा घंटा या फिर 2 घंटे तक जो है लग जाते हैं। अगर आप उसको बीच में से बंद करते हो तो आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश होने का डर रहता है। तो अभी जो दूसरी सेटिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट के बगल में ही जो ऑप्शन देखने को मिलता है सर्च का, वो यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा सर्विसेज। तो जैसे ही आप सर्विसेज टाइप करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार की यहाँ पे सेटिंग देखने को मिलेगी। ये सर्विसेज नाम का जो ऑप्शन है इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने किसी भी एक ऑप्शन को यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर लेना है और अपने कीबोर्ड से W का जो बटन है उसको आपने प्रेस करना है। तो जैसे ही आप W प्रेस कर दोगे तो यहाँ पर आपको विंडो अपडेट से रिलेटेड एक सेटिंग देखने को मिलेगी। आप थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल कीजिए तो यहाँ पर ही आपको विंडो अपडेट करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उसको आपने यहाँ से ढूंढ लेना है। तो ये देखिए विंडो अपडेट नाम का यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो आपका स्टार्टअप टाइप है ये ऑटोमेटिक पे सेट होगा, जैसे कि ये वाला होता है ऑटोमेटिक वाला। तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपने ये पहली बार सेटिंग ओपन करी होगी तो ये ऑटोमेटिक पर होगा, इसको आपने सिंपली डिसेबल पर सेट कर देना है। डिसेबल की सेटिंग को आपने यहाँ से चूज करने के बाद यहाँ से आपको स्टॉप कर देना है। यहाँ से आप एक बार इसको स्टॉप कर दोगे, उसके बाद यहाँ से डिसेबल हमने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम यहाँ से इसको अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे विंडोज के अपडेट हमें देने वाला था माइक्रोसॉफ्ट, तो हमने यहाँ से उसको डिसेबल कर दिया है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की ओर से हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए अपडेट्स तो आ रहे हैं लेकिन हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है उसकी सेटिंग हमने कर दी है कि वो अपडेट रिसीव नहीं करेगा। अब इससे ये फायदा होगा कि अगर आपके पास इंटरनेट उतना अवेलेबल नहीं है, डाटा आपके पास कम है, तो जो भी आप इंपॉर्टेंट काम करना चाहते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में वो आप पहले फिनिश कर लीजिए,
और उसके बाद अगर आपके पास डाटा बाकी बचता है या फिर अगर आप ऐसे एरिया में हो कि वहां पे वाईफाई फैसिलिटी है, तो वहां पर आप सिंपली क्या करोगे, दोबारा से सर्विसेज वाली सेटिंग पे आके विंडो अपडेट के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज पर क्लिक करोगे, उसके बाद ये जो डिसेबल लिखा हुआ है इसको आपने ऑटोमेटिक पर सिलेक्ट कर देना है, और उसके बाद आपने यहाँ से इसको अप्लाई करके ओके कर देना है। इतना करने के बाद आप फिर से जाओगे वहां पे सेटिंग पे, जैसे हम पहले यहाँ स्टार्ट के ऊपर सेटिंग में गए थे, और यहाँ सेटिंग के अंदर आपको ऑप्शन वही देखने को मिलेगा अपडेट एंड सिक्योरिटी का, और इस पर आके आपको यहाँ से रिज्यूम कर देने हैं अपने अपडेट्स। और जैसे ही आप रिज्यूम करोगे तो जितने भी अपडेट आपके सिस्टम के लिए अवेलेबल होंगे वो आ जाएंगे, और उसको आप एक एक करके अपडेट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको एक तीसरी सेटिंग के बारे में भी हम बताएंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हो या फिर आप इथरनेट यूज कर रहे हो, कोई भी आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो, तो आपको यहाँ पे उसका इंटरनेट का आइकन देखने को मिलेगा। तो आपने जो भी आइकन आपके सामने है, चाहे वो वाईफाई का है चाहे वो लैन केबल से है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो भी आप कनेक्शन यूज कर रहे हो वहां पर एक ऑप्शन होगा प्रॉपर्टीज का। ये हर एक कनेक्शन में होता है, हर एक सिस्टम में होता है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा मीटरेड कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लिमिटेड डाटा है, अगर आपका प्लान लिमिटेड है, तो आप कंट्रोल करना चाहते हो कि अगर बैकएंड पे आपके जितने भी ड्राइवर्स हैं या फिर कुछ एप्लीकेशन है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसकी सेटिंग हमने ऑटोमेटिक ही अपडेट पे रखी होती है, जैसे कि हमारे एंड्रॉयड फोन में भी जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं वो ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाती हैं, तो वो एक तरह की आपकी प्रॉपर से बंद हो जाएगी। जो आपका इम्पोर्टेंट काम है वही जो है नेट यूज आपका करेगा। कंप्यूटर के बैकग्राउंड में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन या फिर कोई भी ऐसा ड्राइवर जो आपका इंटरनेट यूज करके आपके कंप्यूटर को लैग करेगा या फिर आपके कंप्यूटर की जो इंटरनेट की स्पीड है उसको स्लो करेगा, तो वो इससे नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग जो आपकी रहती है ऑफ रहती है, तो इसको सिंपल से आपको ऑन कर लेना है कुछ इस प्रकार से। जैसे ही आप इसको ऑन कर दोगे, इसको ऑन करने के बाद जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे, जो आपको इंपॉर्टेंट है इंटरनेट, उसी के लिए इंटरनेट आपका यूज होगा, बाकी फालतू चीजों के लिए इंटरनेट आपका यूज नहीं होगा। तो ये जरूर से आपको जो है सेट एज मीटर कनेक्शन को ऑन कर लेना है। काफी कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अभी आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आपको अपडेट्स अपने बंद करने हैं विंडोज के, और जब आपको समय मिले, जब आपके पास वाईफाई अवेलेबल हो, तो आपको किस प्रकार अपने अपडेट्स को रिज्यूम करके दोबारा से अपडेट कर लेना है। इससे जो होगा कि आपके टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहेंगे और आपको कंप्यूटर सिस्टम यूज करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जोर से एक लाइक कर देना और शेयर कर देना इसको और भी फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई नई टिप्स और ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली जो हमारी वीडियोज हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।